हेलो बच्चों, तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज का ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है जो कि जेई एडवांस दो बार इसको पूछा है, ठीक है ना। एक तो अपन देखे हैं 2009 में जेई एडवांस ने पूछा और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आया है आपका 2016 में। तो आज अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे जो भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो अपने से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। और जेई मेंस में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को थीटा जो दे रखा है, थीटा है अपना 0 to π/2 लाई कर रहा है और हमें समेशन ऑफ ये कॉसेक में दे रखा है टर्म्स m=1 to 6=4√2। तो हमें इसमें बताना क्या भाई, हमें बताना है इसमें ये थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये अपने को बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म्स अपने पास है इसको आप जो है एक जनरल टर्म बता दो Tm, हमने लेट कर लिया भाई इसको Tm। हमसे पूछा है समेशन ऑफ Tm वेयर m=1 to 6, यानी कि t1+t2+t3+t4+t5+t6, ये अपने से पूछा गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपने माइंड में मेथड ऑफ डिफरेंस आता है, यानी कि हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको Tm=, अगर मैं इस cos को sin में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या cos θ = 1/sin θ होता है। तो चलिए इसको अपन sin थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ गया 1/sin θ + m-1 π/4, ओके, इंटू sin θ + m π/4, ये अपने को मिला, चलेगा। अब ध्यान से एक बात देखिए, यही सिमिलर कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहां से अगर मैं इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको θ1 लेट कर लूं, ठीक है ना, और इस वाले पार्ट को मैं θ2 बोल दूं, क्या θ2 - θ1 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, θ2 - θ1। आप देखो क्या ये θ + m π/4 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें साथ ही साथ है -π/4। अगर इसमें से ये माइनस करूं तो हमें मिलेगा π/4 ऐसा। अब चलिए अगर मैं sin θ 2 - θ1 के बारे में बात करूं तो आप बताओगे भाई ये आएगा sin π/4, जिसका वैल्यू होता है 1/√2। अब चलिए यहां पे इसको आपने θ1 बोला, इस वाले को θ2 बोला, तो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, ध्यान से आपको देखना है। हमने लिख दिया Tm = 1/sin θ1 × sin θ2, ऐसा है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूँ किससे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूँ sin θ2 - θ1 से। तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, तो मल्टीप्लाई कर लिया sin θ2 - θ1 से और साथ ही साथ डिवाइड कर दिया sin θ2 - θ1 से, चलेगा। अब बताइए ऊपर वाला जो पार्ट है क्या आपको sin a - b का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं sin θ2 × cos θ1 - sin θ1 × cos θ2, अपॉन ये आ गया आपका sin θ1 × sin θ2, ऐसा। अब ये जो है sin θ2 - θ1, क्या उसका वैल्यू अपन यहाँ पे रख ले 1/√2। अगर 1/√2 रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, हमने इस वाले पार्ट का वैल्यू जो है हमने रख दिया 1/√2। अगर ये 1/√2 यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में तो क्या √2 ऊपर चला जाएगा, तो आप कह सकते हो एक तरह से √2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, चलेगा। अगर अब यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो देखिए आपको क्या दिखने वाला है, ये आ गया आपके पास √2 × अगर स्प्लिट करोगे तो इस ये जो न्यूमरेटर में ये है डिनोमिनेटर में ये आएगा,
तो आप कह सकते हो भाई साइन थीटा टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा वन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा वन। तो क्या आप कह सकते हो इसको, ये मिला आपको कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहाँ पे कॉट थीटा वन भी, यानी कि थीटा वन का जो वैल्यू आपने जो थीटा वन लेट किया था उसको यहाँ पे रख दो। तो अब देखिए ये अपने को मिला रूट टू और कॉट थीटा वन। तो थीटा वन क्या है भाई आपका, तो थीटा वन ये है आपका, तो आप लिख सकते हो थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाय फोर माइनस कॉट थीटा टू का वैल्यू रख लेते हैं। तो थीटा टू क्या है आपका, थीटा प्लस एम पाई बाय फोर, ये आ गया। अब ये जो अपने को मिला है वो क्या मिला है भाई, टी एम मिला है। क्या हमने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर लिया, जैसे ही डिफरेंस क्रिएट कर लिया अपना काम आसान हो गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है भाई, तो हमें फाइंड करना है एस सम फाइंड करना है, ठीक है ना, एस सिक्स फाइंड करना है। और एस सिक्स जो है आपका वो किसके इक्वल है, तो आप कह सकते हो समेशन ऑफ टी एम वेयर एम इक्वल्स टू वन टू सिक्स, ये है आपका। तो यहाँ से आप बोलोगे हमें चाहिए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव प्लस टी सिक्स चाहिए, ऐसा, यानी कि इन सिक्स टर्म का सम चाहिए अपने को। अब बताइए आपका जो टी एम है वो टी एम क्या है भाई, अभी जो आपने लिखा है टी एम क्या है आपका, वो है रूट टू कॉट थीटा वन के प्लेस पे ये था, तो थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाय फोर है माइनस कॉट थीटा प्लस एम पाई बाय फोर, ऐसा कुछ है, चलेगा। अब चलिए इसमें एम का वैल्यू वन रखते हैं, टू रखते हैं, इस तरीके से अगर रखेंगे तो सबसे पहले देखिए टी वन क्या आपका होने वाला है, तो टी वन हो जाएगा रूट टू और यहाँ से आप लिख सकते हो कॉट और ये आ गया थीटा प्लस एम के प्लेस पे आपने वन रखा तो ये वाला पार्ट ज़ीरो माइनस ये आ गया आपका कॉट थीटा प्लस पाई बाय फोर, एम के प्लेस पे आपने रखा वन, कुछ ऐसा आया। देन अपन टी टू अगर फाइंड करेंगे तो टी टू क्या आएगा, तो टी टू इक्वल्स टू लिख सकते हो रूट टू कॉट थीटा के प्लेस पे, सॉरी एम के प्लेस पे आप टू रखोगे तो यहाँ पे टू माइनस वन यानी कि वन आया, तो क्या ये थीटा प्लस पाई बाय फोर होगा माइनस कॉट थीटा प्लस अगर टू रखेंगे तो क्या ये टू पाई बाय फोर होगा, ऐसा आप बताओगे, ये आ गया। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं टी थ्री के बारे में, तो टी थ्री जो मिलेगा अपने को क्या वो रूट टू कॉट थीटा प्लस अगर यहाँ पे अपन थ्री रखेंगे तो ये टू मिलेगा, क्या ये टू पाई बाय फोर माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ पे अगर थ्री रखोगे तो ये मिलेगा थ्री पाई बाय फोर। अब आपको कुछ जादू सा दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब बीच का टर्म्स तो मैं नहीं लिख रहा और डायरेक्ट अपन एंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आएगा टी सिक्स, ठीक है ना, बीच का टर्म्स में आपको सिमिलरिटी मिलेगा और देखने को जादू मिलेगा। तो यहाँ से ये आ गया रूट टू कॉट, बीच का टर्म्स आप लिख सकते हो और पता चलेगा ये सब गायब हो रहा है, अगर थीटा सॉरी एम के प्लेस पे सिक्स रखेंगे तो यहाँ पे फाइव होगा, फाइव पाई बाय फोर माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे अपन रख रहे हैं सिक्स, तो ये क्या आ जाएगा सिक्स पाई बाय फोर, इस तरीके से मिलेगा। इन सब का जो सम है वही अपना क्या है भाई, एस है, एस सिक्स है। अगर अपन सम करेंगे इन सब का तो आपको देखो क्या दिख रहा है, क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, क्या ये टर्म्स कैंसिल होगा, ये टर्म्स कैंसिल होगा, इस तरीके से सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। जब आप T4 लिखोगे T5 लिखोगे T6 लिखोगे तो आपको पता चलेगा जो ये जो है ये कैंसिल हो रहा है, चलेगा, यानी कि आपको दो टर्म्स बचा, एक तो स्टार्टिंग का ये एक एंड का ये बचा। तो अब ये क्वेश्चन जो है यानी कि इन सब का सम T1 प्लस T2 प्लस T3
अप टू T6 तक का जो सम है जो कि अपन S6 बोले हैं वो कितना आ गया भाई, तो आ गया √2। और पहला टर्म जो आपने लिखा है वो है आपका cot थीटा, जो बचा इधर से cot थीटा माइनस लास्ट वाला बचा है वो है आपका cot। अब बताइए यहां से थीटा प्लस इस वाले को क्या लिख सकते हो, 3π/2 बता सकते हो, तो ये आ गया थीटा प्लस 3π/2 आ गया, ऐसा कुछ आया चलेगा। और इसका वैल्यू अपने को गिवन है वो कितना है, 4√2 है, ये आ गया 4√2 चलेगा। ये आप इजीली देख सकते हो भाई, T1 आप फाइंड कर लेना, T2 T3 T4 T5 T6 अब सबको ऐड करना, तो क्या होगा ये डायगोनली जो है ये वाला जो है ये कैंसिल होता जाएगा अल्टरनेट, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ ये टर्म्स बचेगा और ये टर्म्स बचेगा अगर अपन सम कर रहे हैं तो, क्लियर है सबको। अब चलिए देखते हैं क्या ये 3π/2 जो है वो आपका 3π/2 प्लस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है और कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, टेन में चेंज हो जाएगा, तो ये एक्चुअली -10 थीटा होगा, आगे में माइनस लगा हुआ है, तो क्या कह सकते हो √2 कॉट थीटा प्लस ये आ गया 10 थीटा इक्वल्स टू 4√2। अब √2 से √2 गायब करो, क्या इस कॉट को अपन 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये मिला 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल्स टू 4, ऐसा आया। अब चलिए 10 में ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो अपन कह सकते हैं 10² थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से 10 थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, तो माइनस बी बोले तो प्लस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस B² यानी कि 16 - 4/2a। तो अब चलिए ये वाला आ गया 12√12 को आप लिख सकते हो 2√3 लिख सकते हो, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने को मिला 2 ± √3 ऐसा। तो एक एंगल तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 10 थीटा इक्वल्स टू 2 + √3 और एक मिल रहा है 10 थीटा इक्वल्स टू 2 - √3 चलेगा। ये जो एंगल यहाँ पे है ये है थीटा इक्वल्स टू π/1 तो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/12 आएगा और एक आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 5π/12 आ जाएगा। ओके ये आप फाइंड कर सकते हो, ये कैसे आएगा तो ध्यान से देखिए, ये आएगा आपको यहाँ से 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ओके तो ये वैल्यू आएगा आपका किसके इक्वल, तो 2 - √3 के इक्वल, यानी कि 10 ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 2 - √3। ये कैलकुलेट करना अपने लिए इजी सा काम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ गया, सी और डी आ गया, चलेगा आपको समझ में आया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले को थीटा बोला, इस वाले को थीटा 2 बोला, चलेगा। डिफरेंस देखा हमने कांस्टेंट आ रहा है तभी अपने को क्लिक किया, जो अरे डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो साइन थीटा 2 - θ1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और इसको अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया sin A - B का, और जैसे ही स्प्लिट किए तो हमें डिफरेंस दिखा, जैसे ही डिफरेंस दिखा तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाए, और हमें S6 चाहिए था यानी कि 6 टर्म का सम चाहिए था। जैसे हमने सम किया तो अपने को दिखा अच्छा ये डायगोनली जो है ये टर्म्स जो है वो अल्टरनेट कैंसिल होता जा रहा है, तो एक स्टार्टिंग का बचेगा एक एंड का बचेगा, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे आ गए और कैलकुलेट करके हमें 10 थीटा का ये वैल्यू मिला, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 5π/12 आएगा और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 5π/12 आएगा, चलेगा। ये क्वेश्चन कह सकते हो अच्छा सा है, आपको आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन जो है जेई एडवांस ने 2016 में पूछा है। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस वैल्यू चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई हो रहा है। तो अब चलिए इस वाले को अगर सॉल्व करें, अगर आप यहाँ पे
टी के बारे में बात करो, जनरल टर्म जो है आपका 1/sin π/4 +k-1π/6 (sin π/4 +k π/6) ऐसा है, चलेगा। अब इसमें ये बताइए, अगर इस वाले को अपन थीटा 1 बोले और इस वाले को थीटा 2 बोले, तो क्या अपने को फिर से दिख रहा है जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है? यानी कि तुम कह सकते हो यार ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है वो कितना आ जाएगा भाई, π/6 आ जाएगा, ठीक है ना, π/6 आया। क्या तुम फिर से कह सकते हो जो साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 ये आएगा sin π/6, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। जैसे ही साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 कॉन्स्टेंट आया, हमने क्या सोचा, फिर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए डिफरेंस क्रिएट करने में। तो आ जाइए भाई देखते हैं। तो यहाँ से ये टी के, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें S13 पूछा जा रहा है, यानी कि समेशन ऑफ टी के वेयर के इक्वल्स टू 1 to 13, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए इस वाले में टी के बारे में बात करते हैं। तो ये है अपना 1/sin θ1 (sin θ2), ये अपने पास है। हमने फायदा उठाया है साइन थीटा 2 - θ1 का, तो इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन थीटा 2 - θ1 एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा sin θ2 - θ1, ऐसा। अब ऊपर में आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, sin θ2 (cos θ1) - sin θ1 (cos θ2) अपॉन ये आ जाएगा sin θ1 (sin θ2). अब बताइए यहाँ पे sin θ2 - θ1 का वैल्यू कितना बताया आपने, 1/2 बताया। तो अगर यहाँ पे 1/2 करूँगा तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इनटू लिख सकते हैं 2, चलेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा अपने को अभी दिखने वाला है ये एक्सप्रेशन, जो कि डिफरेंस में बहुत सुंदर सा आएगा। अब बताइए अगर इसको आप स्प्लिट करोगे तो इसमें देखो sin θ2 (sin θ2) कैंसिल हो जाएगा और इस वाले में sin θ1 (sin θ1) कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये टी के जो है आपका वो कुछ ऐसा आया जो cot θ1 - cot θ2, ऐसा, क्लियर है सबको, इनटू क्या आया, 2 आया। अब इसका हम लोग फायदा उठाने वाले हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। आइए अब देखते हैं, यहाँ से हमें चाहिए S13 जो कि समेशन ऑफ क्या है, टी के है, के इक्वल्स टू 1 to 13 है, ऐसा। अब इस वाले में अगर हमें यहाँ पे आपको टी के भी पता है भाई, टी के क्या आ गया, तो 2 × cot of, देखिए cot of क्या है, θ1 आपने किसको बोला था, इस वाले को बोला था, तो cot of θ1 यानी कि अपन लिख सकते हैं π/4 + k-1 π/6 - cot π/4 + k π/6, ऐसा है। इस वाले में k का वैल्यू एक बार 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, अप टू 13 रखते हैं, आपको दिखेगा जो फिर से ये टर्म्स गायब होता हुआ आ रहा है। अगर t1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × cot 1 रखिए k के प्लेस पे, तो ये वाला तो 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका t cot π/4 - cot π/4 + π/6, ऐसा मिलेगा, ये आ गया t1। देन क्या आएगा, t2 को क्या लिख दोगे आप, t2 आ जाएगा 2 और यहाँ पे cot, यहाँ पे रख दीजिए आप 2 रख दीजिए, तो क्या ये cot π/4 + π/6 - cot of π/4 + 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2π/6, ऐसा आ जाएगा।
फिर अगर अपन यहाँ पे T3 रखेंगे तो क्या ये T3 आ जाएगा 2 cot पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6 माइनस cot पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 6, ये ऐसा मिलेगा। अगर ये सिलसिला अपन आगे बढ़ाते चले और 13 तक चले, ठीक है ना, 13 तक चल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 2 cot पाई बाय 4 प्लस, अगर तुम 13 रखोगे तो ये 12 आएगा, तो कह सकते हो 12 पाई बाय 6 माइनस cot पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और इन सब का ही तो सम अपना S13 है, ये सम कर लिया जाए। बीच का टर्म्स हमने स्किप कर दिया, वो आप लिख भी सकते हो और आपको एक पैटर्न सा दिखेगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको अपन बहुत इजीली कर सकते हैं अगर सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको आता हो, ठीक है ना। अभी अपन लास्ट में बात भी कर लेंगे इस पर। अब चलिए देखिए क्या इसमें ये वाला और ये वाला, ये देखिए माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, क्या ये टर्म्स गायब होगा, देन ये भी गायब होगा, बीच का ये सब भी गायब होगा और ये भी गायब हो जाएगा। तो फिर से देखिए ये एंड से बचा, ये स्टार्टिंग से बचा। तो अब अपने पास जो है यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे अपने पास आ गया है S13, यानी कि इसका जो सम है T1 प्लस T2 से अप टू T13 तक, ये जो सम आया है ये है आपका 2 cot पाई बाय 4 माइनस cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस, क्या ये 13 पाई बाय 6 जो है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ऐसा लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए ये जो आपका आपका क्या है, ये क्या ये 12 पाई बाय 6 को आप 2 पाई बोल सकते हो, ध्यान से देखिए आप, क्या हमने इसको लिख दिया cot 2 पाई प्लस, क्योंकि आप इसको 2 पाई लिख सकते हो, और 2 पाई प्लस ये आ गया आपका पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना। अगर cot 2 पाई प्लस थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले गया तो उसको आप cot थीटा भी बोल सकते हो, तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा cot थीटा, तो ये आ गया पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4 आ गया, ऐसा चलेगा। तो अब इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, तो अब आप मुझे ये बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि आप 30 प्लस 45, क्या ये आप जानना चाह रहे हो जो ये एक्चुअल में क्या है आपका, तो ये है आपका cot 75 डिग्री, क्या इसको अपन लिख सकते हैं 10 ऑफ 15 डिग्री, ऐसा आ जाएगा। और 10 ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, 10 ऑफ 15 डिग्री क्या होगा 2 माइनस रूट 3, ऐसा। तो अब कह सकते हो ये जो कैलकुलेशन है ये अपन बैकग्राउंड में चल रहा है अपना, चलेगा। अब बताइए इस वाले पार्ट का वैल्यू अपने को मिल गया, ये आ गया 2 cot पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस रूट 3, ये कुछ ऐसा है। तो क्या ये 2 रूट 3 माइनस 2 होगा, ये अपना अच्छा रूट 3 माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 बोले तो माइनस 1 आएगा, तो देखिए आपका जो आंसर आ गया 2 रूट 3 माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चेन्नई जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से देखिए इन सब क्वेश्चन को, ये जो इतना कैलकुलेशन करना पड़ा इससे अपन बच सकते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, जो कि सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग स्प्लिट करके डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जो देखो यार छोटे वाले में छोटा रख दो और बड़े वाले में बड़ा रख दो, मतलब बस इतना सा ही थ्योरी पढ़ाता हूँ। इन दोनों में जो छोटा है, जैसे ये वाला है और ये वाला है, इसमें छोटा ये वाला पार्ट है, बड़ा ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा है ये बड़ा वाला है। अब के इक्वल्स टू 1 टू 13 में के इक्वल्स टू 1 छोटा है 13 बड़ा है, छोटे वाले में छोटा इसमें हमने 1 रख दिया, अगर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, और हमने बोला बड़े वाले में बड़ा, ये वाला अपन ने इसमें रख दिया, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको।
अगर इसमें 13 रखोगे, इस वाले में अपन ने 13 रख दिया, तो जैसे ही अपन 13 रखेंगे तो क्या ये अपने को लास्ट वाला ये वाला मिलेगा? बिल्कुल, एक लाइन में अपन ये सारा कैलकुलेशन बता के यहाँ पहुँच गए। सीक्वेंस सीरीज में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, छोटे वाले में छोटा रखना है, बड़े वाले में बड़ा रखना है, ठीक है ना। तो देखिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व कर लिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस पूछा है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है भाई, जेई मेंस में तो आ ही सकता है और इस टाइप का कॉन्सेप्ट जेई एडवांस तो पूछ ही सकता है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। चलिए ओके,